नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं अक्षय कुमार की मूवी मिशन मंगल के कलेक्शन के अपडेट को लेकर। मिशन मंगल 15 अगस्त को रिलीज हुई। अक्षय कुमार इसमें विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा काम कर रही हैं, तापसी पन्नू भी हैं और इस मूवी ने कमाल का कलेक्शन कर लिया है। 15 अगस्त में पहले दिन इस मूवी ने 28.1 करोड़ का कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 17 करोड़ और तीसरे दिन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है 23.25 करोड़ के आसपास। अगर मतलब 25 पढ़ते हैं तो मूवी 3 दिन में 70.50 करोड़ का कलेक्शन करती है और इसी तरह से चलता रहा तो चौथे दिन यानी कि आज इसका प्रोडिक्शन मुझे 30 करोड़ का लग रहा है। तो ये बड़ा वीकेंड है, 4 दिनों का वीकेंड है जो 100 करोड़ हो जाएगा। अक्षय कुमार के पहली ऐसी मूवी को जो वीकेंड में ही 100 करोड़ कर रही है और उस हिसाब से टोटल 4 दिन में 100 करोड़ हो सकता है और ऐसा रहा तो इसका ग्रोस 4 दिन में 128 के आसपास आ जाएगा। और अभी इसका ओवरसीज़ का भी कलेक्शन आ चुका है, लगभग 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन आया है। तो टोटल 4 दिन ख़त्म होते होते 128 से 130 करोड़ के आसपास ये मूवी चौथे दिन अपना कलेक्शन कर सकती है। आपको क्या लगता है मूवी का कलेक्शन क्या हो सकता है चौथे दिन? तीसरे दिन का अर्ली एस्टिमेट जैसे मैंने बताया आपको 25 करोड़ के आसपास आ रहा है, तो ये एक फिगर ऊपर नीचे भी हो सकता है। और चौथे दिन का प्रोडिक्शन मेरा 30 करोड़ का है, तो आपके 30 करोड़ का प्रोडिक्शन आपका कितना हो सकता है चौथे दिन का आप बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।